अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नान भाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने अनवा अकसाम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे जिससे भाप निकल रही थी। इन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बेचारे फकीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिरा में माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। मगर वहां से हटने का भी उसका दिल नहीं चाहता था। खानों की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। बिलाखिर उसने अपने थैले से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देख की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो चलने लगा तो नान भाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों हो मुस्तंडे, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हकदक होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? उसने लफ्ज चबा चबा कर उगले। अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, वो भाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या चला जाता है जिसकी मैं कीमत अदा करूँ? फकीर ने परेशान होकर कहा। बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नान भाई ने उसका गिरबान पकड़ लिया। फकीर बेचारा परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नान भाई से किस तरह जान छोड़ाए। उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलोल उधर से गुजरा और उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे सुनाई तो वो नान भाई से बोला, भाई ये तो बताओ, क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने उसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आती, नान भाई ने बताया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो ब्रादर, बिल्कुल दुरुस्त। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और एक एक करके इन सिक्कों को जमीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नान भाई ये ले पैसे की आवाज पकड़ ले, अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ये सिक्कों की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है, इसे अपने गुल्लक में डाल ले। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। नान भाई अपनी खिफत मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जाएगी। इर्द गिर्द खड़े लोग बेसाख्ता बोल उठे, वल्लाह ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिशी छुपी हुई है, लगता है इसकी दीवानगी ने इसकी दानिश को कोई जरर नहीं पहुंचाया है। आज तक की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।